हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं, एसबीआई पीओ ने 2018 के लिए अपनी रिक्रूटमेंट रिलीज कर दी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। प्रिलिम्स की जो डेट आई है वो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, तो तैयारी करने का समय स्टार्ट हो चुका है। अगर जिन लोगों ने तैयारी कुछ टाइम के लिए बंद कर दी थी, उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि फिर से तैयारी स्टार्ट करें। अगर आपने अप्लाई अभी तक नहीं किया है तो अप्लाई कर दें ऑनलाइन और तैयारी स्टार्ट करें। इस सेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले से ब्रीफ कर देता हूँ। ये हमने एसबीआई पीओ 2018 के लिए नया सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम पुराने साल के बैंक पीओ के सवाल डिस्कस करेंगे, जो एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स या फिर मेंस के लेवल के सवाल रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आज है, आज हमारे सेशन में हम 8 सवाल डिस्कस करने वाले। ये 8 सवाल पूछे गए थे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2016 में, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हर बार जब भी हम सेशन में डिस्कस करेंगे वो एसबीआई पीओ के लेवल के रहेंगे, चाहे वो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हो, चाहे आरबीआई प्रीलिम्स हो, चाहे एसबीआई पीओ 2017 हो, 2016 हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो, एसबीआई पीओ लेवल के डिफरेंट बैंक एग्जाम्स, मतलब बैंक पीओ के पुराने साल के सवालों को डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग टॉपिक से रहेगा। जैसे कि आप हेडलाइन में देख सकते हैं, रीजनिंग के 8 सवाल लेंगे जो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2016 में पूछे गए थे, ठीक है। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय कंक्लूजन, स्टडी द कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर। और 5 ऑप्शंस आपको गिवन है, इनमें से एक करेक्ट रहेगा। पहला है ओनली कंक्लूजन 2 ट्रू, सेकेंड 1 ट्रू, सी बोथ 1 एंड 2 ट्रू, ऑप्शन डी आइदर 1 और 2, एंड ऑप्शन ई नाइदर 1 नॉर। तो इनइक्वालिटीज के 5 सवाल ले रहे हैं हम। कौन से एग्जाम्स में पूछे गए थे? आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2016 में। और कौन से एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं? एसबीआई पीओ 2018 के लिए। स्पेशली आज का सेशन रहेगा प्रीलिम्स स्पेसिफिक, ठीक है। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, कुछ कंक्लूजन गिवन है। इनइक्वालिटीज के सवाल आपको पता है हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं, सीधा कंक्लूजन पे आ जाइए। पहला कंक्लूजन क्या पूछा है? पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, मतलब हमें P से S तक जाना है। थ्योरी में पूरी डिटेल में इस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको इनइक्वालिटीज की थ्योरी नहीं पता है तो हमारे चैनल पे जाके इनइक्वालिटीज टाइप कीजिए, आपको थ्योरी वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखिए और फिर यहाँ पर वापस आ जाइए। यहाँ पर हम थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे, हम पुराने साल के पेपर के सॉल्यूशंस डायरेक्ट डिस्कस करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे कि आपको जानते हैं कि इनइक्वालिटीज में हम जब भी सवाल आते हैं तो सीधा कंक्लूजन पे फोकस करते हैं, स्टेटमेंट पहले नहीं पढ़ते। पहला आपका कंक्लूजन पूछा गया है पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मुंह किस तरफ खुला हुआ है? पी की तरफ। तो पी से स्टार्ट करेंगे, एस तक जाएंगे। कहां पर? ऊपर वाले स्टेटमेंट में। ऊपर वाले स्टेटमेंट में पी कहां पर है? ये रहा पी। एस कहां पर है? ये रहा एस। हमें कहां से कहां तक जाना है? पी से एस। तो देखते हैं जा पाते हैं नहीं जाते। पी से आई बिल्कुल जा पा रहे, आई से एल भी जा पा रहे हैं, और एल से एस, मतलब पी से एस जा तो पा रहे हैं। अब हमें फाइनल गेट क्या चाहिए? ग्रेटर इक्वल का। इसके लिए कंडीशन आपको क्या पता है? इसके लिए कंडीशन है ऑल की, सॉरी ऑल की कंडीशन, मतलब रास्ते में सारे गेट ग्रेटर इक्वल वाले रहने चाहिए। तो क्या सारे वो गेट रहने? बिल्कुल यही है। इक्वल्स टू को तो कोई गेट ही कंसिडर नहीं करते हम, तो दो ही गेट है और दोनों के दोनों आपके ग्रेटर इक्वल्स जो आपको चाहिए थे वही है। तो इसका मतलब पहला जो कंक्लूजन है वो करेक्ट है, ठीक है। एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए क्या किया हमने। इनइक्वालिटीज के जितने भी सवाल रहते हैं उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टेटमेंट पढ़ के सीधा कंक्लूजन पे फोकस करेंगे। साइन का जिस तरफ मुकुला वहां से स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे बैक है वहां से एंड पॉइंट, मतलब पी से एस तक जाना है। कहां पर? ऊपर वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में अगर आप स्टार्टिंग से एंड पॉइंट वाले पे जा पा रहे हैं तो पहली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो चुकी है। दूसरी रहती है गेट की, कि कौन सा गेट हमें चाहिए। जैसे यहाँ पर चाहिए आपको ग्रेटर इक्वल का, तो ग्रेटर इक्वल के लिए कंडीशन क्या रहती है? ऑल के, मतलब रास्ते में सभी गेट ये होने चाहिए। तो आप चेक करते हैं तो सभी गेट यही आ रहे थे। अब आप बोलेंगे कि इक्वल्स टू भी तो था, पर इक्वल्स टू हमें पता है कि हम गेट की तरह कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अब सेकेंड इनइक्वालिटी का पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िए। सेकेंड इनइक्वालिटी का क्या रहेगा? सेकेंड में पूछा गया है आई ग्रेटर देन आर, ओपन किस तरफ है मुंह? आई की तरफ, तो आई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है आर।
आई से आर तक जाना है, कहां पर? ऊपर स्टेटमेंट में। आई कहां पर है? ये रहा आपका आई। आर कहां पर है? ये रहा आपका आर। तो आई से पी चले गए, पी से ई चले गए, ई से आर भी चले गए। मतलब आई से आर तो जा पा रहे, मतलब पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी क्या रहती है? गेट की। गेट कौन सा चाहिए हमें? ग्रेटर। ग्रेटर के लिए कंडीशन क्या होती है? एटलीस्ट। जैसे कि ग्रेटर इक्वल के लिए ऑल होती है, ग्रेटर के लिए क्या होती है? एटलीस्ट। मतलब कम से कम एक गेट भी अगर ये आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक भी गेट ऐसा आ पा रहा है? बिल्कुल आ पा रहा है। अब ये चेक कीजिए, ये रहा यहाँ पर, एक गेट तो चाहिए था हमें सिर्फ, और एक गेट मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड भी आपका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सीधा कंक्लूजन पे आ जाएंगे। पहला कंक्लूजन क्या पूछा है? टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। मुंह किस तरफ है? टी तक। बैक कहां पर है? डी तक। तो टी से डी जाना है। टी ये रहा, डी कहां पर है? डी ये रहा। तो अगर आप नोट करें तो इन दोनों के बीच में आपको सेपरेशन मिलेगा, मतलब ये स्टेटमेंट पूरा अलग है और ये स्टेटमेंट अलग है। अब दोनों जो हमारे एलिमेंट्स है वो अलग अलग स्टेटमेंट में तो कैसे जाएंगे? कॉमन के थ्रू। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एआर। तो हमारी कोशिश रहेगी टी से ए तक जाने की, फिर ए से डी तक जाने की। तो टी से ए जा पा रहे हैं? बिल्कुल जा पा रहे हैं। अब ए में यहां पर आ चुके हैं। ए से डी जा पा रहे हैं? बिल्कुल ए से डी भी जा पा रहे हैं, मतलब टी से डी जा तो पा रहे हैं। तो पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी गेट की, गेट क्या चाहिए? ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल की कंडीशन क्या थी? ऑल। चेक कर लेते हैं सारे गेट सारे हैं क्या? ये बिल्कुल ग्रेटर इक्वल वाला ही आ रहा है, यहाँ भी ग्रेटर इक्वल है, दो ही गेट थे और दोनों यही आ रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल, इसका मतलब पहला कंक्लूजन हमारा करें। दूसरा देखते हैं, आर ग्रेटर देन एस। मुंह किस तरफ है? आर पर। बैक किस तरफ है? एस तक। तो आर से कहां तक जाना है? आर से एस तक। तो जाने की कोशिश करते हैं। आर से ई चले गए, ई से ए चले गए, पर ए से टी नहीं जा पा रहे क्योंकि ये साइन का बैक आ गया है। यहां से ए से टी नहीं जा पा रहे तो यहीं रुक गए। इसका मतलब आर से एस नहीं पहुंच पा रहे और पहली कंडीशन भी फुलफिल नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, इसको यही रॉन्ग कर दीजिए। इसका मतलब सिर्फ कंक्लूजन वन इज ट्रू। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। क्या करेंगे? फिर से वही स्टेप। सबसे पहले कंक्लूजन चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन क्या है? ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, मतलब ए से ई तक जाना है। ए से ई तक, ये रहा आपका ए। ई कहां पर है? ये रहा ई। देखते हैं जा पा रहे इनके बारे। ए से बी चले गए, बी से सी चले गए, पर सी से डी नहीं जा पा रहे, तो आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता। पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसका मतलब कंक्लूजन रॉन्ग। दूसरे पे आ जाइए, सी लेस देन एफ। अब मुंह किस तरफ खुला हुआ है? एफ की तरफ। तो एफ से कहां तक जाएंगे? सी तक। एफ कहां पर है? ये रहा आपका एफ। सी कहां पर है? ये रहा आपका सी। ठीक है, एफ से ई चले गए, बिल्कुल चले गए। ई से डी चले गए, बिल्कुल चले गए। डी से सी भी चले गए, मतलब एफ से सी जा पा रहे हैं, तो पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल। दूसरी क्या थी? गेट की। हमें कौन सा चाहिए? एफ और सी के बीच में लेस का। लेस की कंडीशन क्या है? आपको पता है, एटलीस्ट कंडीशन है। तो कम से कम एक गेट भी ऐसा आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। पहला ही एफ से ई जाने में ये गेट आ गया है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। दोनों कंडीशन फुलफिल है, इसका मतलब कंक्लूजन करेक्ट। सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर से कंक्लूजन पे फोकस करिए। जे ग्रेटर देन जी, तो मुंह किस तरफ है? जे की तरफ है। जे से कहां तक जाना है? जी तक। जे कहां पर दिख रहा है? ये रहा आपका जे। जी कहां पर दिख रहा है? ये रहा जी। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। तो क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट जाने के लिए कॉमन के थ्रू जाएंगे। कॉमन क्या है आपका? ए। तो क्या करेंगे कोशिश? के जे से ए तक चले जाएं, फिर ए से जी जाने के। तो देखते हैं जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे। जे से ए चले गए, बिल्कुल। अब ये ए यहां पर पहुंच गए। ए से ई चले गए, ई से आर नहीं जा पाए, मतलब आगे नहीं जा पाएंगे। ये कंक्लूजन यही गलत हो जाता है। दूसरा कंक्लूजन चेक करिए, जे इक्वल्स टू जी, मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं। पर अभी हमने जस्ट पहले ही चेक किया कि जे से जी नहीं जा पा रहे, तो जी से जे और जे से जी दोनों जा पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड कंक्लूजन भी इनकरेक्ट। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा? दोनों कंक्लूजन इनकरेक्ट आ रहे हैं। पर इसका आंसर हम ये नहीं देंगे कि बोथ कंक्लूजन वन एंड ट्रू, नाइदर कंक्लूजन नॉर कंक्लूजन टू इज ट्रू, ये नहीं आंसर होगा। अब हम चेक करेंगे आइदर और की कंडीशन के लिए। आइदर और की कंडीशन के लिए चेक करेंगे, क्या चेक करना पड़ता है? सबसे पहले कि दोनों कंक्लूजन गलत है कि नहीं। बिल्कुल दोनों कंक्लूजन गलत है। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन के दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ पे जे और जी है और यहाँ भी जे और जी है, तो ये भी फुलफिल हो रही है। तीसरी क्या रहती है? तीसरी रहती है
कि अगर आपको जे से जी जाना है, जे से जी जाना है, तो आपको ये चेक करना है कि कौन से वाले इधर और के लिए कर रहे हैं। तो आप कौन से के लिए कर रहे हो? नो रिलेशन वाले के लिए कर रहे हो, क्योंकि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जा ही नहीं पा रहे। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों कंक्लूजन में सारे साइन कौन कौन से? ग्रेटर, लेस, इक्वल, ये तीनों साइन कवर होना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों साइन कवर हो रहे हैं क्या? ग्रेटर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, इक्वल हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, पर लेस का साइन कवर नहीं हो रहा, तो तीसरी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही। और जब तक तीनों कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक आइदर और की कंडीशन नहीं लगती। तो यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा, नॉर्मल आंसर रहेगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू इज ट्रू। तो ऑप्शन ई आपका आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल था ये, फिर से खुद से सॉल्व करिएगा, अच्छा टाइप था, स्टार लगाया मैंने इसको, फिर से आप रोक के फिर से खुद से ट्राई करिएगा, अच्छा सवाल था। पांचवा सवाल देखेंगे, इनइक्वालिटी का आखिरी सवाल ये। पहला कंक्लूजन ले लीजिए फटाफट, टाइम बिना टाइम वेस्ट किए, एल लेस देन आर, तो मुंह किस तरफ खुला हुआ है? आर की तरफ, तो आर से कहां तक जाना है? एल तक जाना है। ठीक है, आर कहां पर है? ये रहा आपका आर, एल कहां पर है? ये रहा एल। तो जाने की कोशिश करते हैं, आर से ई ही नहीं जा पा रहे, तो आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता, इसका मतलब ये यही गलत हो गया। आगे बढ़िए, ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, मुंह किस तरफ खुला हुआ है? ई की तरफ, तो ई से स्टार्ट करेंगे, क्यू तक जाएंगे। ठीक है, तो ई कहां पर है? ये रहा आपका ई, क्यू कहां पर है? ये रहा क्यू, कॉमन क्या आएगा? एल आएगा। तो E से L तक जाने की कोशिश करेंगे, फिर L से Q, E से P ही नहीं जा पा रहे, आगे जाने का सवाल ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। बोथ कंक्लूजन, मतलब नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू इज ट्रू, यहां पर भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन E। तो आई होप मेरे आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इनइक्वालिटीज वाले सवाल पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है और किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन फोर फिर से करिएगा, अच्छा सवाल है, आइदर और की कंडीशन जिसमें नहीं लग पा रही थी, लग रहा था कि लग जाएगी पर नहीं लगी, अच्छा टाइप का सवाल था ये। कौन से सवाल कर रहे हैं हम? SBI PO 2018 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बैंक PO के पुराने साल के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो हमारा एग्जाम है, जो जिससे हमने क्वेश्चंस लिए हैं, वो है IBPS PO प्रीलिम्स, प्री पे फोकस कर रहे हैं अभी, पहले 2016 IBPS PO प्रीलिम्स 2016 के सवाल ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और कौन सा सवाल देखेंगे? आगे देखेंगे बचे हुए तीन सवाल और, देखिए आपके सामने तीन सवाल और है, 24 से 26 तक। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो फैमिली ट्री या फिर ब्लड रिलेशन से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन के तीन सवाल और लिए हमने अभी। ब्लड रिलेशन के सवाल सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है? फैमिली ट्री बनाना इंपॉर्टेंट है, आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अगर आपको फैमिली ट्री बनाना नहीं आता तो आप ब्लड रिलेशन के सवाल अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा सवाल है, एक आपको पैराग्राफ टाइप दिया कुछ इन्फॉर्मेशन और उस पे बेस तीन सवाल ब्लड रिलेशन के पूछे गए। तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है? डी इज डॉटर ऑफ एन, किसकी डॉटर है? एन की डॉटर है। ठीक है, अब डॉटर है तो क्या साइन आ जाएगा? माइनस, माइनस का मतलब फीमेल। आगे क्या है? ई इज द वाइफ ऑफ एन, ई किसकी वाइफ है? एन की, तो एन क्या हो जाएगा? हस्बैंड। ठीक है, तो प्लस माइनस। आगे बढ़िए, जी इज द डॉटर, सॉरी जी इज द सिस्टर ऑफ डी, जी किसकी सिस्टर है? डी की। सी इज मैरिड टू जी, सी इज मैरिड टू जी, तो जी का यहां क्या? सी, सॉरी सी आएगा यहां पे, सी मैरिड टू जी। आगे देखते हैं, एन हैज नो सन, एन के कोई बेटा नहीं है। ठीक है, दोनों अभी तक हमने जो बनाई है वो बेटी है, क्योंकि माइनस से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस का मतलब होता है फीमेल और प्लस का मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए होता है मेल। ठीक है, और ये जो ओपन एंडेड आप दोनों साइंस देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मैरिड कपल को। ये सारी थ्योरी हमने हमारे ब्लड रिलेशन का जो वीडियो मैंने बनाया है, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। अभी आपको ब्रीफ में थोड़ा समय बता रहा हूं रिकैप के लिए। आगे बढ़िए, के इज मदर ऑफ ई, के ई की माँ है, के अगर ई की माँ है तो कहां? ऊपर की तरफ आ जाएगी, और क्योंकि मदर है तो साइन क्या आएगा आगे? माइनस। ठीक है, क्यू इज ओनली डॉटर ऑफ सी, सी की इकलौती बेटी कौन है? क्यू है, तो क्यू कहां जाएगी? नीचे की तरफ। ठीक है, और साइन क्या आ जाएगा? माइनस।
तो ये आपका फैमिली ट्री पूरा बन चुका है यहाँ पर। अगर आप पूरा अच्छे से देखें, थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा है, पर ये जो बॉक्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है, इसके अंदर आपका पूरा फैमिली ट्री बन रखा है, जो जो इन्फॉर्मेशन थी। अब सॉल्व करेंगे। पहला सवाल पूछा गया है, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू डी, क्यू डी से किस तरह रिलेटेड है। तो क्यू कहां है, ये रहा क्यू, डी कहां है, ये रहा। तो क्यू की जो मदर है उसकी सिस्टर डी है, तो इसका मतलब क्यू की वो क्या लगेगी, मासी। मासी मतलब क्यू डी मासी होगी क्यू की, तो क्यू डी की क्या होगी, नीस। ठीक है, क्लियरली समझ आ रहा है। इसके फादर, ये मदर, मदर की सिस्टर, तो ये इसके क्या लगी, ये मौसी, तो ये कौन है, नीस। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, हाउ इज एन रिलेटेड टू के, एन किस तरह के से रिलेटेड है। एन कहां पर है, एन देखिए ये रहा एन आपका, के कहां पर है, ये रहा ऊपर के। तो हाउ इज एन रिलेटेड टू के, तो एन क्या है, दामाद है के का, क्योंकि एन की जो वाइफ है उसकी मम्मी है के, तो एन क्या हुआ, दामाद मतलब सन इन लॉ। ठीक है, दामाद मतलब इंग्लिश में क्या होगा, सन इन लॉ। एन क्या है, सन इन लॉ टू के। फाइनली 26वां क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डॉटर्स एन हैव, एन की कितनी बेटियां हैं, एक दो, दो बेटियां हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी टू आपका आंसर होगा। तो आपने देखा, एक बार आपने फैमिली ट्री बनानी चाहिए, उस पे बेस तीन सवाल पूछे, पांच सवाल पूछे, सबके सब एक एक सेकंड में हो रहे हैं। जो मेन टाइम लग रहा है वो इसमें लग रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि आप पहली या दूसरी बार बना रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा क्विकली बनाएंगे और सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आई होप ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो। हमने काफी सारे अलग अलग टाइप के सवाल देखे, पांच सवाल इनइक्वालिटी के लिए और तीन सवाल हमने आज ब्लड रिलेशन के लिए, कहां से, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम 2016 में। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये सेशन हमने स्ट्रिक्टली चलाया है एसबीआई पीओ 2018 के प्रिपरेशन के लिए। प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहा आज का सेक्शन, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल के सवाल लिए हमने और पुराने सवाल जो साल के जो पूछे थे वो भी हमने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2016। अगर इस सेशन में कुछ डाउट हो या आप चाहते हैं हम इसमें कुछ फर्दर इंप्रूव करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्दी से जल्दी इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पे लाइक जरूर लीव कीजिएगा और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन बटन के पास, उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।